साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चंद्रपुरुष श्रमिक पत्रकार संघ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह। पालक मंत्री मुनगंटीवार ने कहा, पत्रकारिता में समय के अनुसार बदलाव आवश्यक। वरिष्ठ पत्रकार संजय लोखंडे और अशोक पोद्दार को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान। चंद्रपुर श्रमिक पत्रकार संघ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, वरिष्ठ पत्रकार कार्तिक लोखंडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस वर्ष का प्रतिष्ठित कर्मवीर पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार संजय लोखंडे और अशोक पोद्दार को सम्मान पूर्वक प्रदान किया गया। शहरी और ग्रामीण संवाददाताओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और फोटोग्राफी श्रेणी के प्रतिनिधियों के लिए भी प्रतियोगिता पुरस्कार वितरित किए गए। इस वक्त पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि पत्रकारिता में समय के अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। किसी विषय की खबर करके रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उस विषय को पूरी तरह से हल करने तक या समाज को न्याय मिलने तक उसका पीछा करना चाहिए, ऐसा विचार समारोह में व्यक्त किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वाचन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चंद्रपुर शहर के जुबली स्कूल के पास 14 करोड़ रुपए की लागत से एक इमारत बनाई जाएगी। समोर बसलेले सर्व माझे पत्रकार मित्र मोठ्या सगळ्या कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व त्यांना करावं लागत आहे, आणि त्यासाठीच आम्ही या आपल्याला एक नवीन नवीन बातम्या आणि नवं काही घेण्याचा प्रयत्न पत्रकार सदैव तत्पर फार वेळ न घेता मी स्वागताकडे वळतो। आजच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षस्थानी असणारे स्वागत पर सत्कार प्रशांत विघ्नेश्वर आणि सचिव प्रवीण बत्की करतील अशी मी त्यांना टीव्ही उत्कृष्ट वृत्तांकनासाठी टीव्ही 18 लोकमत आणि शेवटचा पुरस्कार आहे वृत्त छायाचित्र पुरस्कार इतिहास तज्ञ अशोक सिंग ठाकूर यांच्यातर्फे प्रशांत डांगे तुमचे प्रतिनिधी आमोद गोरकर नवरगावची पुण्यनगरीची स्वारस्य अभिरुची पुरस्कार स्वर्गीय सुरमलजी राधा किसन चांडक स्मृती प्रत्यर्थ गिरीश चांडक यांच्याकडून निमेश गहर शोध पत्रकारितेसाठी डिजिटल पोर्टल विभाग स्वर्गीय राम कुंवर सिंग स्मृती प्रत्यर्थ के सिंग यांच्याकडून स्वर्गीय श्रीमती सुशीला राजेंद्र दीक्षित यांचे स्मृती प्रत्यर्थ डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित स्पर्धार्थे यांच्यातर्फे TV9 लोकमतचे हैदर शेख वर्तमानपत्रात मात्र आपल्या हाती वेळ असतो, त्याचं विश्लेषण केलं पाहिजे आणि या दृष्टीने अजून आपल्या सर्वांना उत्तम पद्धतीने वाचन संस्कृती जोपासण्यासाठी आजच्या या उत्तम कार्यक्रमाचं अवसर लक्षात घेऊन या आठवड्यात मी चंद्रपूरमध्ये 14.90 कोटी खर्च करून पत्रकारांसाठी आणि सर्व वाचन संस्कृतीसाठी वाचन करणाऱ्यांसाठी 14.90 कोटी रुपये खर्च करून जुबली हायस्कूलच्या बाजूला आपण एक उत्तम आपलं असं वाचनालय उभं करू अशी घोषणा करतो आणि वाचन संस्कृतीला चंद्रपूर जिल्हा हा क्रमांक 1 वर व्हावा यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।